शहीद फौजी पंचतत्व में हुआ विलीन, उन्नाव से बड़ी खबर है। शहीद फौजी को पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को दी गई अंतिम विदाई। 18 सितंबर को फौजी ने मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर में ली थी अंतिम सांस। बॉक्सर घाट पे हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। उन्नाव से बड़ी खबर है, शहीद फौजी पंचतत्व में हुआ विलीन। लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को दी गई अंतिम विदाई। 18 सितंबर को फौजी के मिलिट्री हॉस्पिटल जयपुर में ली थी अंतिम सांस। बक्सर घाट में हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। अमेठी से बड़ी खबर, जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामरन जी की संवेदनशीलता आई सामने। चौकीदार की मृत्यु की सूचना मिलते ही तत्काल पहुंचे चौकीदार के घर। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर गांव में तैनात था चौकीदार। हृदय गति रुक जाने से हुई थी चौकीदार की मौत। किसानों के लिए सिरदर्द बने आवारा जानवर, श्रावस्ती से बड़ी खबर है ये। खेती में खड़ी फसलों को पशु पहुंचा रहे नुकसान। पशुओं को पकड़ने की नहीं हो रही है कोई कवायद। छुट्टा पशुओं की वजह से लाखों की फसलें बर्बाद। श्रावस्ती से बड़ी खबर है, किसानों के लिए सिरदर्द बन गए हैं आवारा पशु। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं आवारा पशु, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास और प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए मनीष, बिल्कुल आपको बता दूं कि श्रावस्ती जनपद में छुट्टा जानवर खेतों में खड़ी धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रात रात भर किसान जाग करके और खेतों में लगी फसलों को रखा रहे हैं, लेकिन किसानों के दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। जी प्रदीप, वहां पे जो आपके प्रशासन अधिकारी हैं उनसे क्या इस पे बात हुई है? क्या उनको इसकी शिकायत लिखित प्रार्थना पत्र दी गई इस पे? देखिए, इस पर कोई भी शिकायत नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा आदेश जिलाधिकारी को दिया गया था कि कोई भी छुट्टा जानवर जो है घूमने ना पाए, छुट्टा जानवर को गौशाला में पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है मुख्यमंत्री का। और छुट्टा जानवर सड़कों में भी घूम रहे हैं और किसान जो है रात भर रखवाली कर रहे हैं। जी प्रदीप, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बदायूं से बड़ी खबर, भाई ने अपने ही भाई को उतारा मौत के घाट। गला रेत कर की भाई की हत्या। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गिरफ्तार। उजहानी थाना पुलिस ने किया आत्महत्या का खुलासा। आरोपी उजहानी कोतवाली क्षेत्र के कठौना गांव का मामला है ये। बदायूं से बड़ी खबर, भाई नहीं अपने ही भाई को उतारा है मौत के घाट। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, महिला ने युवक पर दर्ज कराया रेप का मुकदमा। युवक ने महिला को वकील से मिलने का झांसा देकर किया रेप। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज है कई मुकदमे। विभूतिखंड थाना क्षेत्र का मामला है ये। लखनऊ से बड़ी खबर,
इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शादाब मौजूद है। शादाब, महिला ने युवक पर दर्ज कराया रेप का मुकदमा। देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला है, जब महिला ने विभूतिगंज थाने में एक रेप का मामला दर्ज कराया है। हम आपको ये बताते हैं कि महिला का एक पारिवारिक मामला चल रहा है सिविल कोर्ट में, जिसको लेके महिला गई हुई थी, तो वहीं एक संदीप नाम का बंदा मिलता है। वो कहता है कि मैं फ्री में आपका सस्ते में काम करा दूंगा वकील से मिलके। तो इसी में लेके नंबर आदान प्रदान हुआ था, दोनों ने नंबर एक दूसरे को दिया था कि जो है मैं आपका काम करा दूंगा। उसी के बाद कल परसों में इसने बुलाया था उसको, वही होटल में इसको ले गया, वहाँ इसने रेप किया, उसके बाद इसको छोड़ दिया। जिसके बाद ये महिला विभूतिगंज थाने पहुंची, जहाँ तहरीर देती है, उसके बाद इसका मुकदमा लिखा जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि संदीप नाम का बंदा पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का ये बंदा है, इसके पर कई मुकदमे दर्ज हैं थाने पे, चाहे वो विकास आशियाना हो, चाहे कृष्णा नगर हो, कई थानों में इसके आपराधिक मामले दर्ज हैं। और हालांकि इसके पर 2019 में गोली भी चली थी, जिसके चलते इसको गनर भी मिले थे। फिलहाल जो DCP ईस्ट है, उसने साफ तौर पर ये बताया है कि इनके पर गोली चली थी, जिसके चलते इसके पास गनर है, उसको लेके भी जांच चल रही है कि किस वजह से इसके पर गोली चली थी। फिलहाल अभी ये पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन वही पुलिस का कहना है कि टीमें लगा दी गई हैं, जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे क्या मामला पूरा खुल के सामने आता है। जी मनीष जी, शादाब, इस खबर पे जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।